हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते के बरे। इसको हम उड़द की दाल और अरवी के पत्तों की सहायता से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये अरवी के पत्ते हमने ले रखे हैं, और देखिए ये मुलायम पत्ते होने चाहिए, कड़े वाले पत्ते बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे बरे अच्छे नहीं बनेंगे। एकदम मुलायम पत्ते होने चाहिए। अब देखिए, और सबसे पहले तो हम ये जो पत्ते हैं, पत्तों का जो कड़ा भाग है इसको हम काट देंगे। इसके ऊपर का डंठल हम काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से काटना है इसको। ये इस तरह से काट के हम इस तरह से हम काटेंगे। बस हो गया है। अब हम दूसरे पत्ते का बड़ा काटेंगे। ओ, दूसरे पत्ते का डंठल काटेंगे। हाँ, ये देखिए, इस तरह से अब हम सारे पत्तों के डंठल काट के अलग कर लेंगे, जो कड़े भाग हैं। अगर इसको नहीं हम काटेंगे तो हमारे बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे काट के अलग कर लेंगे। देखिए, हमारे अब ये कट चुके हैं डंठल, सारे डंठल हमने काट लिए हैं। अब हम इसको पानी से, साफ पानी से इसको हम धुलेंगे 3-4 बार, ताकि इसमें जो गंदगी बैठी हो पत्तों में वो निकल जाए अच्छे से। अब हम इसको ले चल रहे हैं धुलने के लिए। ये अरवी के पत्तों को हमने अब धुल लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे काटेंगे, जिस तरह से साग कटता है, पालक का साग कटता है, उसी तरह से इसको भी हम छोटे छोटे काटेंगे चाकू से। ये धुल चुके हैं अब हमारे अरवी के पत्ते। ये हमारे अरवी के पत्ते कट के अब तैयार हो चुके हैं। अब हम उड़द की दाल पीसने की तैयारी करते हैं। देखिए, ये उड़द की दाल हमने पहले ही इसे भिगो रखी थी। इसको आप 5 से 6 घंटे भिगो कर रखेंगे पानी में। उसके बाद इसको धुल के इसको हम मिक्सर में पीसेंगे। अब ये देखिए, हम डाल रहे हैं मिक्सर में। उसको भी पीस लेंगे, हरी मिर्च को भी हम पीस इसमें डाल के पीस लेंगे साथ में। ये मिर्ची आप अपने जितना आप तीखा और खाना पसंद करते हो अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा ये। और ये हींग है, हींग को भी हम इसी में पीस लेंगे, ताकि हींग अच्छे से दाल में ऑब्जर्व हो जाए, मिल जाए अच्छे से। अब इसको हम पीसेंगे, देखिए। और दाल को हमें सूखा पीसना है, इसमें पानी का यूज नहीं करना है। इसको हम अच्छे से, देखिए, अब हम पीस रहे हैं इसको। दाल पीस के तैयार हो गई है, और इसमें हमने पहले से हरी मिर्च और हींग भी पीस लिया है, और हमारे पत्ते भी कट के रेडी हो गए हैं। अब देखिए, हम इसमें डालेंगे, और इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वो आप अपने जैसा आप तीखा और नॉन तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप स्वादानुसार डालेंगे, अपने टेस्ट के अनुसार, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हो। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसको अपने हाथों से इसको हम मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा हम लेते हुए इसको मिलाएंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी ये जो पत्ते हैं ये भी पानी छोड़ेगा, और हमारी दाल भी गीली है, तो हम अपनी दाल की सहायता से ही पत्तों को इसमें मैश करेंगे। जिस तरह से आटा गूंथते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसी तरह से इसको हम मिलाएंगे। पानी का यूज इसमें आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी देखिएगा, ये पत्ते सारे गल जाएंगे।
क्योंकि इसमें नमक भी पड़ा हुआ है दाल में, तो नमक जो है हमारे पत्तों को गलाने का काम करेगा। इसमें हमने हींग भी डाल रखी है जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। हींग की जो खुशबू होती है वो उड़द की दाल बने या उड़द के बरे बने, कढ़ी बने, उन सब में हींग ज़रूर डालनी चाहिए। हींग हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इस तरह से हम हाथों से इसको मिलाएंगे। देखिए हमारी पत्ते कितने ढेर सारे थे और ये देखिए एकदम सब उसमें बहुत थोड़ा हो गया है। अभी देखिएगा ये पूरी तरह से मिल जाएगा। चूँकि दोस्तों मैं इलाहाबाद से हूँ तो हमारे इलाहाबाद में ये अरबी के जो बड़े होते हैं, अरबी और उड़द की दाल के जो बड़े होते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर तो ये बरसात के सीज़न में, ये पत्ते जो हैं बरसात के सीज़न में ही ज़्यादा मिलते हैं। अरबी का जो सीज़न है ये यही सीज़न है, तो इस सीज़न में ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए सारे पत्ते हमारे गल चुके हैं, बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अब ये बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हम बड़े बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारा कढ़ाई में अब तेल गरम हो गया है। आप चाहे तो इसको सरसों के तेल में भी तल सकते हैं और रिफाइंड में भी तल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये मैंने रिफाइंड लिया है सनफ्लावर, और क्योंकि सनफ्लावर जो होता है बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, बहुत कम लगता है, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ इस तेल को। अब देखिए हम ये बना रहे हैं बड़े। सबसे पहले हम छोटी सी लोई लेंगे एक, हाथ में हम पहले पानी को लगाएंगे। बिना पानी का आप इसको नहीं बनाइएगा, बन नहीं पाएंगे, पानी से ही बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से लोई लेगा, फिर इसको हम प्रेस करते हैं हाथों से, उंगलियों से अपने। ये देखिए अब हम ये डाल रहे हैं कढ़ाई में एक एक करके। आँच को हम शुरू में धीमा रखेंगे, गैस की फ्लेम को हम पहले धीमा रखेंगे। देखिए अभी एक साइड हो जाए थोड़ा सा, तो फिर हम दूसरी साइड जो है इसको तलेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा तेल को डालते जाएंगे छन्नी की सहायता से। अभी इसको हम पलटेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम पलटेंगे तो ये चिपके हुए होंगे। जब अंदर से नीचे से थोड़ा ये हो जाएंगे तो ये खुद ही कढ़ाई के तले को छोड़ देंगे, ऊपर आने लगेंगे। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं पलटेंगे। देखिए ये हो गए हैं। अब ये आसानी से जब ये हो जाएंगे नीचे से, तो जो चिपके हुए हैं कढ़ाई में ये छोड़ देंगे। अब हम एक एक करके इसको हम पलटेंगे दूसरी साइड होने के लिए।
देखिए अभी हल्के होकर देखिए ऊपर आ गए हैं, कढ़ाई के तले से ऊपर उठ गए हैं और ये देखिए फूल भी रहे हैं। इनको हम हल्का हल्का चम्मच की सदक दबाते रहेंगे ताकि ये फूल जाएं थोड़ा थोड़ा। अब इसको हम दूसरी साइड से पलटेंगे। इनको हम ब्राउन होने तक ऐसे ही कढ़ाई में रहने देंगे। जब ये देखिए अब ये हल्के हल्के सुनहरे हो गए हैं, इनको हम ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो अपने आप कुरकुरे दम बनेंगे। जो बड़े होते हैं दोस्तों वो कुरकुरे हों और स्पॉन्जी बने तभी वो अच्छे बड़े होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके लिए है कि हमारी दाल अच्छे से पिसी हुई होनी चाहिए, एकदम महीन दाल पिसी हुई होनी चाहिए। अगर हमारी दाल अच्छे से नहीं पिसी रहेगी तो हमारे बड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। देखिए काफ़ी लाल होने शुरू हो गए हैं। देखिए हमारे बड़े अब हो चुके हैं, इसको अभी हम और एक बार पलटेंगे। अब ये देखिए हम इसमें डाल रहे हैं, इसको हम छन्नी की सहायता से पलटेंगे। कलछुल के साथ ये देखिए हम पलट रहे हैं कि ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की जो आंच है उसको आप कम कर देंगे, नहीं तो हमारे जो बड़े हैं वो एक साइड से पकेंगे एक साइड से नहीं पकेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा धीमी आंच में पकाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा तेज आंच में ताकि ये अंदर तक अच्छे से हो जाएँ। बाकी बड़े भी हम अब उलटने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको भी हम पलट लेंगे। देखिए अच्छे से ये इनको भी हम पलट ले रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं क्योंकि हमारी दाल बहुत अच्छे से पिसी हुई है और दाल को कम से कम 5 से 6 घंटे में भिगोने ही हैं और उसके बाद उसको पीसने के बाद भी जो है आप 1 घंटे के बाद ही आप यूज करिएगा ताकि ये अच्छे से फूल जाए हमारी दाल, तो हमारे बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। आप इसमें चने की दाल या मटर की दाल भी मिक्स कर सकते हैं उड़द की दाल के साथ, उससे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ उड़द की दाल को मिक्स किया है। इसको आप पकौड़े की तरह भी बना सकते हैं, बड़े की तरह ना बनाकर आप इसको पकौड़े की तरह भी बना सकते हैं, छोटी छोटी पकौड़ियों की शेप में उस तरह भी बना सकते हैं।
अब इसको हम पलटेंगे दूसरी साइड से भी। अच्छे से पलटेंगे हम, इसको आराम से पलटेंगे, नहीं तो तेल जो है ऊपर भी आ सकते हैं। बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे से पलटेंगे। गैस की आंच को हम तेज कर देंगे थोड़ा सा। ये हो गए हमारे बड़े, हम गैस की आंच को धीमा कर देंगे। गैस की आंच को हम धीमा कर देंगे। अब इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे, थोड़ा सा उलटते पलटते हुए। हो गए हैं, अब इसको हम निकाल रहे हैं प्लेट में। ये हमारे बड़े देखिए बन के रेडी हो चुके हैं, कितने ढेर सारे बने हैं और देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको हम ये चटनी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। इसको हम चटनी के साथ, ये करौंधे की चटनी है, ये भी बरसात के सीज़न में आसानी से मिल जाती है। और करौंधे की चटनी को बनाने के लिए मैंने इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक और करौंधा मैंने यूज किया है। और इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। ये खाने में बहुत ही अच्छी आती है और बड़े के साथ में। ये हमारे बड़े खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय।